देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। मामूली सी बारिश ने खोलकर रख दी नगरपालिका की पोल। नगरपालिका के सारे दावे धरे के धरे रह गए, जिसमें कहा गया था कि भर बाट में रोड व नाली बन चुकी है। साथ ही साथ पानी की निकासी की भी पूरी व्यवस्था नगरपालिका ने चाक चौबंद कर दी है। लेकिन आज मैं जरा से पानी गिरने के बाद रोड पर नाली का गंदा पानी आ गया। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला गुलाबगंज में हनुमान मंदिर के आगे, जहां रोड पर पानी भर गया। हालांकि इस पानी का लुप्त बच्चों ने जमकर उठाया, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि इस पानी में नहाने से उन्हें बीमारियां भी हो सकती हैं। वहीं लोगों को आवाजाही में खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। रोड पर पानी इतना था कि लोगों को मोटरसाइकिल पैदल पार करनी पड़ी। साथ ही रोड पर पानी में गाड़ी चलाने से लोगों को डर भी लग रहा था कि कहीं कोई गड्ढा ना आ जाए, जिसमें वे फंसकर गिर जाएं या चोटिल हो जाएं। आने वाले समय में यदि बारिश खुलकर होती है तो गुना की सड़कों का क्या हाल होगा, ये देखकर आसानी से समझा जा सकता है। वहीं गुलाबगंज ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर रोड पर पानी भरा देखा गया। ऐसा ही पानी नानाखेड़ी मंडी रोड पर भी देखा गया। नानाखेड़ी मंडी रोड पर मोटरसाइकिल सवार डडर का अपना वाहन चला रहे थे। वहीं एक ऑटो चालक रोड से गुजरा। कुछ क्षण के लिए तो ऐसा लगा कि वह पलट जाएगा, क्योंकि उसका एक टायर गड्ढे में आ गया। कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन आने वाले समय में यहाँ कोई भी दुर्घटना आसानी से घट सकती है, क्योंकि ये रोड अभी तक जस की तस है। न इस पर कोई निर्माण कार्य हुआ है और न ही इसमें मरम्मत कराई गई। अब इसके क्या कारण है, ये तो नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी ही जाने। जब इस पर बात करने के लिए हमने नगरपालिका अधिकारी पीएस बुंदेला से संपर्क करना चाहा, तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। नंबर 34 के रहवासी घर से बाहर ना निकल पाने को मजबूर हैं, क्योंकि घरों के आगे भरा हुआ है पानी। वार्डवासी अशोक रघुवंशी ने हमें बताया कि उनके वार्ड में पानी की निकासी की व्यवस्था सही नहीं है, और जो थोड़ी बहुत काम चलाऊ व्यवस्था थी तो उसे भी आगे रहने वाले एक शख्स ने खत्म कर दिया। रघुवंशी ने हमें बताया कि उनकी गली में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने दरवाजे की ऊंचाई कर ली, जिसके चलते पूरी गली में पानी भर गया। अब हालात यह है कि पानी घरों में घुस रहा है, क्योंकि इन लोगों के पास पानी निकासी की और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। वहीं उन्होंने बताया कि अगर कुछ कहने जाओ तो वह शख्स लड़ने को भी तैयार हो जाता है। अभी बारिश की शुरुआत हुई है, यह आलम है, जबकि मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि आगामी समय में और तेज बारिश भी हो सकती है। उस समय इन गलियों और रोडों का क्या हाल होगा, ये तो नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी पीएस बुंदेला ही सही ढंग से बता पाएंगे। इनके घर में भर गया, इधर इधर इन्हें रुक गई। सब ये आगे के जो है मेजर साहब, उनने क्या अपने रास्ते उनके द्वार पे पार डाल दी, तो अपने रास्ते पे क्या है जो पूरे रास्ते में पानी भर गया है, पानी घरों में से फिर क्या है घरों में से निकलने लगा है पानी, तो समस्या आ रही है। बच्चे भी नहीं निकल पा रहे, ना कोई निकल पा रहा है, इसमें से पानी भरने से क्या है कुछ भी मोड़ा मोड़ी गिर रहे हैं वहाँ में, हादसे हो रहे हैं। अब वो चले तो दूसरे नंबर डाल देगी उसमें पार। यार अब उनसे बोला था भाई, वो भी समझदार आदमी है, वो मेयर है, अब उससे लड़ने, अब लड़ने को वाली बात ही नहीं है। अब वो तो ऊपर का पानी है, बरसात का मोहल्ले का किसी घर का पानी ज्यादा नहीं है उसमें। बमो
बमोरी मंडी में हमालों को नहीं मिला उनकी मेहनत का पैसा। आपको बता दें कि बमोरी मंडी में एक सोसाइटी द्वारा हमालों का तकरीबन 16 लाख रुपए से ऊपर का पैसा अभी तक हमालों को नहीं मिला है। वहीं सोसाइटी द्वारा जो अनाज खरीदा गया था वह भी मंडी से दूसरी जगह भेज दिया गया है। हमाल तुलावटी अब परेशान है। वहीं हमालों का कहना है कि जब सोसाइटी संचालक से उन्होंने बात की तो उसने कहा कि एक दो दिन में उनका पैसा उन्हें मिल जाएगा, लेकिन आज तक उनका पैसा उन्हें नहीं मिला। तो बताए इधर पे क्या दिक्कत, क्या समस्या आई आपको? माली के पैसे नहीं मिला। कितना पैसा हमारा चाहिए? कम से कम 14-15 लाख रुपए। तो कब से कब तक का था आपका? 12 तारीख से काम कर रहा है। अच्छा, तो अब वो अब नहीं मिले क्या? नहीं मिले पैसे, शुरू से नहीं मिले। तो पैसे आप लेने गए तो अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ तो भाग रहा है, हमें देख के मजदूरी पैसे देने दे रहा। तो आपने फोन ऑन लगाया? हाँ लगा रहा ना, फोन बंद कर लिया। फोन बंद कर लिया। समस्या जी है भैया जी कि हमारा पेमेंट नहीं हो रहा। करीबन कितना पेमेंट है आप? हमारा पेमेंट है कम से कम, जब पूरे हमालों को बताऊंगे, मेरा अकेले का बताऊं, सबका सबका जो मान लो कम से कम 20 लाख रुपए, 20 से ज्यादा ही मान लो आप। तो कितने हमाल लग रहे थे इसमें? जहाँ पे 21 कांटे लग रहे थे भैया जी। 21 कांटे? हाँ, 21। और हमाल कितने थे? हमाल तो जो मान लो कम से कम 1000 की संख्या थी हमालों की, 21 कांटों पे। तो अब आपने उन्हें फोन लगाया, ढूंढा क्या उन्हें? महाराज के लिए ढूंढा, महाराज आ रहे थे, अब दो दोना से आ नहीं रहे, माल लोडिंग करवा दिया उनने। अब हिसाब की गई है तो तब से महाराज गोडाम ले रखी थी बगल में, गेंद्र लाल जी की किराए से उनने मकान ले रखा था, वो भी खाली करके पक गए वो। अच्छा, तो उनकी कोई सूचना नहीं मिल पा रही? कोई सूचना नहीं मिल पा रही। मकसूदनगढ़ में चल रहा सदगुरु कबीर साहब सत्संग समिति द्वारा सदगुरु कबीर साहब प्रकट महोत्सव के दूसरे दिन भी चला कार्यक्रम, जिसमें लोगों ने सामूहिक भोजन किया और भजन कीर्तन भी किए एवं प्रवचनों का आनंद लिया। कार्यक्रम के दूसरे दिन पूजा आरती की गई। आरती में भारी संख्या में आसपास के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सदगुरु कबीर साहब सत्संग समिति द्वारा रखा गया कार्यक्रम को लोगों ने सफल बनाया और महंत श्री बाबूलाल गुरु साहब जी महाराज से आशीर्वाद भी लिया। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। गोलाखेड़ी गांव में गिरी आकाशीय बिजली, किसान के हाथों से छिन गया उसके बच्चों को पालने का रोजगार। किसान पास के शहर रुटियाई गया था अपनी पत्नी का इलाज कराने, लेकिन उसे पता नहीं था कि घर पहुंचते ही सपनों पर गिरी मिलेगी गाज। घर के सामने कमाई का साधन दो भैंसों पर गिरी गाज। घटना 6 बजे की बताई जा रही है। जय मंडल ने सूचना तुरंत पुलिस थाना धरनावदा में दर्ज कराई। सूचना पर एसआई उत्तम सिंह कुशवाहा ने भैंसों का पोस्टमार्टम कराया तथा पीएम में बिजली से मरने के तथ्य सामने आए हैं। धरनावदा से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। कल आरटीओ द्वारा एक बड़ी कार्रवाई फतेहगढ़ में की गई। रोड बनाने में लगे डंपर और जेसीबी को आरटीओ विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया। आरटीओ का कहना है कि इन वाहनों के पास कागजात नहीं थे, ये वाहन बिना कागजों के ही रोड निर्माण में लगे हुए थे, इसलिए इन वाहनों को जब्त कर लिया गया है। वाहनों को जब्त करने के बाद फतेहगढ़ थाने में रखवा दिया गया है। ठेला लगाने के विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, जिसमें एक पक्ष घायल होकर अस्पताल पहुंच गया। बता दें कि पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में दो ठेले लगे हुए थे, जिनमें जगह को लेकर आपसी में पहले मुवाद हुआ। इसके बाद आतापाई की नौबत आ गई, जिसमें एक पक्ष गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है।
परसों जो है ना थोड़ी सेंट हो गई थी बस। कितने परसों बाद भैया से आनंद से? किसके भैया से? अनिल ओझा से। तो वो भी आपके बात में ठेला लगाते हैं क्या? हाँ, बगल में लगाते हैं। तो वो इधर सरकार के लगा दो तो बाथरूम की वजह जगह नहीं ढीला थोड़ा सरकार में तो जगह हो जाए नहीं सटाया बाद गाली माली देने लगा चैट हो गई कुछ नहीं बात खत्म हो गई। उनने कहा सोची मतलब कल हम आके ठेला में घुमा रहे थे ठेला उसको भैया दारू भी क्या छोटो लल्ला नाम है उसका और एक बड़ो है वो टीकी हनुमान टीकी भी ठीक लगा दो या दारू भी को बदल लट्ठू मार दो सिर में दो सिर में और एक इसकी आपने रिपोर्ट करवाई? रिपोर्ट करवाई थी ना रिपोर्ट। म्याना डायल 100 स्टाफ ने ईमानदारी का अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। म्याना चौराहे के पास डायल 100 के आरक्षक रविंद्र श्रीवास्तव को एक पर्स SBI के पास पड़ा मिला जिसमें 8,300 रुपये व ATM कार्ड आदि रखे हुए थे जिसे आरक्षक व पायलट ने थाने में ले जाकर जमा करवाया। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति घबराया हुआ थाने में आया। उसने बताया कि उसका पर्स कहीं गिर गया है। जब पर्स के बारे में पहचान के चिन्ह पूछे गए तो वह पर्स उसी व्यक्ति का पाया गया। तब पर्स उस व्यक्ति छोटे लाल जौहर निवासी मोरखेड़ी को सुपर्द कर दिया गया। क्या हो गया था? धन्यवाद। डीजीआना न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।